अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, दिस इज योर फोर्थ लेक्चर ऑफ क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ। वेलकम टू ई लर्निंग। Before I start video, I want to say that please watch video till end. And also I want to say, before you start your work, mention the date at the top of the header. Do your work with very neat and clean handwriting. Today's topic, 4-digit numbers and their place value, expanded form, predecessor and successor. आज का जो हमारा टॉपिक है वो 4-digit number और उसकी place value, और हम करेंगे expanded form और फिर predecessor and successor, इनके बारे में हम समझेंगे भी और इसको perform भी करेंगे। इसको किस तरह से करते हैं वो भी आज हम इसको सीखेंगे। 4-digit नंबर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि 4-digit नंबर थाउजेंड्स के नंबर होते हैं, और 4-digit नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज 1000, जबकि ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इज 9999। आज हम इसकी प्लेस वैल्यू करेंगे कि किस तरह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। राइट इट्स वैल्यू एंड ड्रॉ बीट्स ऑन द अबेकस। इनकी वैल्यूज देखें जो सर्कल हुए हुए हैं, जो सर्कल हुए हुए हैं इनकी वैल्यूज हम देखेंगे और हम अबेकस में इसको फिल करेंगे और इनको, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है वो हम लिखेंगे भी। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास हुआ हुआ है, हमारे पास नंबर है 4602। 4602, ठीक है। तो 2 जो है वो वंस प्लेस वैल्यू है, 0 टेंस प्लेस वैल्यू है, 600 प्लेस वैल्यू है एंड 4000 प्लेस वैल्यू है। तो 6 जो है वो 100 प्लेस वैल्यू है, तो अबेकस में हमारे पास 100 प्लेस वैल्यू के कॉलम में हम 6 बीट्स को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास 4 कॉलम में अबेकस बना हुआ है, 1, 10, 100, 1000। 4 कॉलम में हमारे पास बीट्स अबेकस है, और जिस कॉलम के नंबर को सर्कल किया गया है उसी नंबर के कॉलम में हम अबेकस, उसी नंबर को उस कॉलम में जो प्लेस वैल्यू बताई गई है, जिस नंबर जैसे 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो 100 प्लेस वैल्यू है, तो 100 के कॉलम में हम बीट्स को ड्रॉ करेंगे। जो प्लेस वैल्यू बताई गई है उसी कॉलम में जाकर हम जो है बीट्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे 6 की प्लेस वैल्यू जो है वो 100 है, तो हम देखेंगे कि 100 का कॉलम कहाँ है हमारे पास अबेकस में, 3rd नंबर पे। राइट से जाएंगे तो आप देखेंगे 3rd नंबर पे हमारे पास अबेकस में 100 का कॉलम बना हुआ है। हम 100 में जाकर 6 बीट्स ड्रॉ कर देंगे और 6 को हम यहाँ पर इनवर्ड में भी लिखेंगे, 600। 6 की प्लेस वैल्यू 600 है, तो हम ब्लैंक्स में भी लिखेंगे 600। अब नंबर बी पे आइए, 9006। 6 जो है वो वंस प्लेस वैल्यू है, 0 टेंस, ये 0, 100 और 9000।
तो सर्कल कौन सा नंबर हुआ हमारे पास? 9, और इसकी प्लेस वैल्यू है 1000। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये वंस है, टेंथ है, हंड्रेड है, थाउजेंड है। थाउजेंड के कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर 9 बीट्स हम ड्रॉ कर देंगे और इसको इन्वर्ट में भी लिखेंगे 9000। ये आपकी बुक में है और आपने अपनी बुक में, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए, आपने 4 क्वेश्चंस जो इसमें मौजूद है वो आपने कंप्लीट करना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। अभी लास्ट में जो मैंने आपको सर्कल डिजिट नंबर्स की प्लेस वैल्यू बताई थी उसमें तो अबाकस का काम था, लेकिन यहाँ आपने किस तरह से लिखना है। जैसे ये नंबर सर्कल हुआ हुआ है, हमारे पास जो नंबर सर्कल हुए हुए होंगे जिस प्लेस वैल्यू में, उनकी प्लेस वैल्यू हमने बतानी है कि उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे कि ये नंबर है, इसको रीड करें, हम इसको किस तरह से रीड करेंगे, 6497, 6497। तो 9 जो है वो टेंस की प्लेस वैल्यू पर है जो सर्कल हुआ हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 9 टेंस और 90, 9 टेंस और 90, 9 टेंस और 90। नंबर बी है, इन नंबर्स को रीड करें, कैसे रीड करेंगे, 8994, 8994। कौन सा नंबर सर्कल हुआ हुआ है, 4, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वंस। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वंस। तो हम क्या लिखेंगे, 4 वंस और 4, 4 वंस और 4। नंबर सी को रीड करें, 2160, 2160, 2160। कौन सा नंबर जो है हमारा सर्कल हुआ हुआ है, 1, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100। 2161 इसकी जो प्लेस वैल्यू वो 100 है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 और 100, 100। इसी तरह नंबर डी देखें, 3480, तो आप देखें इसमें कौन सा नंबर सर्कल हुआ हुआ है, 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 1000, तो हम क्या लिखेंगे, 3000, 3000, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू 1000 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3000 और 3000, 3000। इसके बाद हमारे पास नंबर ई है, 62048, बीच में 0 है तो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम 0 को रीड नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, 62048। ये नहीं बोलेंगे कि 62048, दिस इज रॉन्ग, हम बोलेंगे 62048, दिस इज राइट, 62048। तो कैसे, इसके में जो सर्कल हुआ हुआ नंबर वो है 6 और इसकी प्लेस वैल्यू है 10000, तो हम क्या लिखेंगे, 6 10000, 6 10000 और 60000, 6 10000 और 60000। नंबर एफ है 56728, कौन सा नंबर सर्कल हुआ हुआ है, 6 हमारे पास सर्कल हुआ हुआ है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1000 में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6000 और 6000। स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग का काम है, इसमें आपकी ब्लैंक्स है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100,
स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 1000, ये प्लेस वैल्यूज हैं 10, 100 एंड 1000। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 10 है। और थ्री डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर 100 है, फोर डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर 1000 है। इसी तरह ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999 एंड ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 9999। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ना, एक्सपेंडेड फॉर्म का नंबर हमने एक एक नंबर के साथ जीरो बढ़ाना है और इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है? किस तरह से? अब आप इस नंबर को रीड करें, 6839, 6839। तो सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या है? 6000 है, तो हमने क्या लिखा? 6000। और एट की प्लेस वैल्यू 100 है, तो हमने लिखा 800। थ्री की वैल्यू 10 है, तो हमने लिखा 30। और नाइन की प्लेस वैल्यू 1 है, तो हमने सिर्फ 9 लिखा, इसके साथ कोई जीरो नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक नंबर है, वन डिजिट नंबर है, इसके साथ कोई जीरो नहीं लगा सकते हम। 6839 हमने जीरो लगाकर, जीरो बढ़ाकर उन नंबर्स को एक्सपेंड करना है। 30 में कितने जीरो लगे? एक जीरो लगा, 100 में दो जीरो और 1000 में थ्री जीरो लगे। इसी तरह 2502, 2502, तो टू की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1000 में है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2000। फाइव की वैल्यू 100 है, तो लिखेंगे 500। जीरो टेंस में है, तो इसके साथ हम जीरो लगाएं या ना लगाएं, इसकी तो वैल्यू होती नहीं है, तो हम टेंस में इसको सिंगल जीरो लिखेंगे। और टू की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर टू आ गए, 2502। थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी, 3490। इसको कैसे लिखेंगे? थ्री की वैल्यू 1000 है, तो 3000 हो गई। फोर की वैल्यू 100 है, तो 400। नाइन की वैल्यू 10, 90। जीरो की वैल्यू 1, 0। 3490। इसी तरह 876, एट की वैल्यू 8000 है, तो 8000 हो गई। जीरो की वैल्यू 100 है, तो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, हमने सिंगल जीरो लिखा। फिर सेवन की वैल्यू 10 है, तो 70। सिक्स की वैल्यू 1 है, तो 6। 5175, फाइव की वैल्यू क्या है? 1000, 5000। वन की वैल्यू 100, 100। सेवन की वैल्यू 70, 7070। और फाइव की वैल्यू 1 है, तो हम 5 लिखेंगे, 5175। बेसिकली हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना होता है? जीरो को इंक्रीज करना होता है, जीरो एक्सपेंड करने हैं हमने इसके अंदर। फिर यहाँ हमारे पास 34904 है, तो 3 की वैल्यू 30000 है, तो हमने लिखा 30000। 4 की वैल्यू 1000 है, तो 4000। 9 की वैल्यू 100 है, तो 9000, 900। 9 की वैल्यू 100 है, तो 900। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, हमने यहाँ जीरो लिखा। और फोर की वैल्यू 1 है, तो 4, ठीक है? इसी तरह 50437, फाइव की वैल्यू 10000 है, तो 50000। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 1000। 400, 337, 7000। अब आप देख रहे हैं 10000 के नंबर में हमारे पास नंबर बढ़ गए। कैसे? थ्री की
टेंस में जो है एक जीरो लगता है, वंस में दो जीरो, हंड्रेड में दो जीरो, थाउजेंड में तीन जीरो, और 10,000 में कितने जीरो लगे, चार जीरो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जीरो इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसी तरह हमारे पास नंबर इंक्रीज होंगे। लुक एट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म देन राइट द नंबर्स। इन नंबर्स को देखें और क्या करें, इनको नंबर लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म को देखना है और नंबर लिखना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमने क्या करना है, इसको नंबर में लिखना है। तो 7,000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 6, इसमें से जीरो आप निकाल दीजिए, क्या लिखेंगे, 7,316, 7,316। ठीक है, 8,000 प्लस जीरो, 100 प्लस 7, 10, 70 प्लस 2, तो 8,072, 8,072, 8,072, 3,603, 3,603, 3,603। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हमने इनको सिंपली नंबर में लिखना है। अब 4,980, 4,000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 0, 4,980, 4,980, 4,980, 5,105, 5,105, 5,105, 5,105, 70,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 1, 79,261, 79,261, 40,200, 40,000, 2,099, 40,000, यानी कि किस तरह से लिखेंगे, 4,2099, 40,099, 42,099। टेन थाउजेंड प्लस 1,000 प्लस 400 प्लस जीरो प्लस 4, 11,404, 11,404। ये काम भी आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद राइट द नंबर दैट कम बिफोर आफ्टर और बिटवीन के नंबर हैं, ये आप लोग क्लास 2 और 1 से करते हुए आ रहे हैं। अब इसको आपने 4 डिजिट नंबर में आपने करना है, 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर में। पहले आप 2 और 3 डिजिट नंबर में करते थे, अब आप 4 और 5 डिजिट नंबर के नंबर्स हैं, तो उसमें बिफोर आफ्टर और बिटवीन में कौन कौन से नंबर, कौन सा नंबर पहले आ रहा है, आफ्टर में कौन सा नंबर बाद में आता है, बिटवीन में कौन सा नंबर, दोनों नंबर के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, ये आपने देख के करना है। आपके पास यहाँ नंबर मौजूद है, जैसे ये 5,648, इस नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है, 5,647। थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव से पहले क्या नंबर आया, 3,274। 1,093 से पहले 1,092। 9,998 से पहले 9,997। 4,601 से पहले 4,600। 63,671 से पहले 63,670। 20,863 से पहले 20,862। हमें सिर्फ आखिर के नंबर को देखने हैं, और उन नंबर्स को देखने के बाद ये जो हमारे पास वंस प्लेस में नंबर हैं, इन नंबर को देखें, और फिर इन नंबर से पहले जो नंबर आ रहे हैं हमने वो अरेंज करने हैं। जो टेंथ वंस और टेंथ हंड्रेड और थाउजेंड के नंबर हैं, इनको हमने नहीं चेंज करना, हमने सिर्फ वंस प्लेस वैल्यूज के नंबर्स को चेंज करने होते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने सिर्फ वंस प्लेस वैल्यूज के नंबर को चेंज करना है। बाज बच्चे क्या करते हैं, पूरे पूरे नंबर चेंज कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, गलत होता है बेटा। आपने इसमें
सिर्फ वंस प्लेस वैल्यू के नंबर्स को चेंज करना होता है। जैसे 20,863 है, तो 3 है तो 3 से पहले क्या आता है आपका, 2 आता है, तो हमने बस इस तरह से लिख देना 20,862। बाकी के नंबर आपके सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ वंस प्लेस वैल्यू पे जो नंबर मौजूद है सिर्फ वो चेंज होता है। चाहे आप बिफोर में करो, चाहे वो आप आफ्टर में करो, चाहे आप बिटवीन में करो, इसी तरह होगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए 19,901। क्या आएगा 19,900, वन से पहले क्या आता है, 0, तो हम यहाँ लगा देंगे 0। 78,342, 78,341, 2 से पहले क्या आया, 1 आया, तो हमने 42 से पहले क्या लिखा, 41। अब यहाँ हमारा नंबर चेंज होगा 10,000 में, क्योंकि 10,000 से पहले क्या नंबर आ रहा है, ये हमारे पास पूरा नंबर हमारे पास चेंज होगा 9,999। 10,000 में हमारे पास यहाँ नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे क्या नंबर आ रहा है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कहीं कहीं पूरे नंबर चेंज होते हैं, हर जगह नहीं होते, ठीक है। अब देखें 6,999 है, 6,999 है, तो 999 जहाँ इस तरह के नंबर आएंगे, आखिर में 99 आ रहा है या 9 आ रहा है या पूरा नंबर चेंज हो रहा है। अब जैसे ये है 6,999 है, तो ये पूरा नंबर चेंज होगा 7,000, ठीक है। 6,999 के बाद आता है 7,000, 8,642, 8,643, 5,487, 5,488, 3,199, 3,200। 199 में हम चेंज करेंगे, आखिर में जहाँ 9 नंबर आ रहे हैं, 99 आ रहा है, 999 आ रहा है, या 79 आ रहा है, 59 आ रहा है, जो भी नंबर आ रहे हैं, अगर आखिर में 9 नंबर आ रहा है तो वहाँ हम नंबर चेंज करेंगे। जैसे 3,199 है, तो इस जगह पर हमारे नंबर चेंज होगा, 2 नंबर चेंज होंगे। क्या 199 है, तो क्या हो जाएगा 3,200। इसी तरह 2,849 है, तो 49 के बाद क्या आता है, 50 आता है, तो 2,850। 81,027, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर चेंज होगा, 81,028। अब यहाँ देखिए 31,999 है, तो 999 आ गया है, 31,999 के बाद आता है 32,000, 64,735, 64,736, 64,735 के बाद क्या आया, 64,736, फिर 77,000 के बाद क्या आएगा, 7,000, 77,001, 99,909 के बाद क्या आएगा, 99,910, बिटवीन 8,320 और 8,322। बिटवीन का मतलब होता है दो नंबर के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, तो 8,320 और 8,322 के बीच में कौन सा नंबर आया हमारे पास, 8,321। 9,658 और 9,660, इसके बीच में क्या नंबर आया, 9,659। 1,011 के बीच में 1,010। 4,306, 4,307 के बीच में आया 4,307। बेसिकली हमें इसी तरह करना है सारा काम। होमवर्क आपका डू पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1 इन बुक। पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने बुक में करना है, पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपनी कॉपी में करना है। चैलेंज जो अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो काम आपने वीडियो से देख के कर लें। और इसके बाद डू पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 ए टू एच, ये आपने अपनी कॉपी में करना है। पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 2 ए टू एच, ये भी आपने अपनी कॉपी में करना है। पेज नंबर 15 आप वीडियो से देखकर कर लें काम।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई वीडियो सो आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।